हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम लोग आ गए हैं शादी में। तो आज जिनकी शादी है वो पापा के मामू की बेटी है, मतलब रिश्ते में वो हमारी फूफू लगती है। इनकी शादी कालिंदीपुरम में लोकेटेड कालिंदी कुंज होटल से थी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले बोल रहे थे ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा देखो मेरे देता है मेरी प्यारी प्यारी बहन है ना। मेकअप क्यों क्या है? चलो भूख लगी है, अभी पहले खाना चाहिए। नहीं, अभी हम लोग खाने वाले सेक्शन में आ गए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। जब से हम डाइटिंग करते हैं तो 6:30 से 7 के बीच ही खाना खा लेते हैं, तो वही हैबिट है। तो अभी 11 बज रहे थे तो बस इसीलिए हमें लगा पहले खा लेना चाहिए फिर आगे कुछ करना चाहिए। हाय रुमान। हाय, कैसे हो? खींच रहे हैं। कितनी बदतमीजी से बोलती हो तुम हमसे। हाँ, क्या हुआ था? वो फुल्की खा रहे थे। हाँ, फुल्की वाले भैया थे, वो क्या कहते सारा पिए उठाई तो वो उसके बाद ऐसे ऐसे पसीने पसीने से ऐसे खुजली करने लगे। सारा पिए खाए फिर थे पढ़ा दिया पी आते पी खाए जा रहे अभी दाल खुलने जा रहा है। दाल उसे कहते हैं जो ग्रूम साइड से ब्राइड के लिए ड्रेस पुट पे सा ज्वेलरीज वगैरह आती है, हम लोग दाल कहते हैं। और भी जगह अलग अलग बोला जाता है इसे। तो दाल जो खोलती हैं वो होती हैं लड़की की फूफी, मतलब दुल्हन की फूफी खोलती हैं। तो मेरी दादी नहीं है तो दादी के प्लेस पर हमारी बड़ी फूफी दाल खोल रही हैं।
अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ये हाँ अच्छा लगता है। चलो गाइस, हम तीनों लोग नकाब नहीं पहने, वो तीनों लोग नकाब पहने। बाय गाइस, इनको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया या नहीं दिया, पर मेरे इयररिंग को लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। अच्छी है ये, दाम के साथ, दाम के साथ, पेज के साथ। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और यहाँ जब हम लोग आ रहे थे तभी हमने देखा था यहाँ रैयान का नाम किसी ने लिखा है काले अक्षरों में, रैयान अब्बू। और ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।